लास्ट में ना आपसे देखो बहुत सारे सवाल पूछते तो लास्ट में ये जरूर पूछेगा आपसे कि भैया तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो कई लोग मुंह फाड़ के बोलते हैं ऐसे, हाँ 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख। वो ये नहीं बात करेंगे तुम कंपनी को क्या दोगे। तो उसमें अच्छा तरीका क्या होता है, नेगोशिएट मत करो सैलरी के लिए ना, अच्छी बात नहीं होती है। से कि काम करते हैं सर, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तब देख लेंगे, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जब आप जवाब देते हो ना तो सामने वाले को लगता है कि नहीं अरे पैसे की मेंटेलिटी से नहीं आया, ये काम करने की मेंटेलिटी से आया। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसे सिलेक्शन हो जाता है कि मैं वहाँ, कई लोग जवाब देते हैं मैं यहाँ वैल्यू क्रिएट करने आया हूँ, और जब वैल्यू क्रिएट हो जाएगी तो वैल्यू को शेयर करेंगे। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर वो वैल्यू क्रिएट करने आया, उसके बाद वैल्यू क्रिएट हो जाएगी तो वैल्यू को शेयर करेंगे, और ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है सामने वाले पे। सो इसलिए आपसे कहता हूँ कि ना जब भी आप किसी जॉब के लिए जाओ तो पैसे पर इतना मत मरो, पैसा तो फाइनली आपको मिल ही जाएगा जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे तो।